नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो वाई 12A मोबाइल में सिस्टम अपडेट कैसे किया जाता है। दोस्तों आपके मोबाइल में ए टू जेड जब कोई भी प्रॉब्लम होने लगती है तो ये ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आ जाता है। और दोस्तों जैसे ही आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आता है तो आपको अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मोबाइल को अपडेट करने से आपके मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम रहती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आपके मोबाइल में कई नए सारे फीचर्स भी आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आया रहेगा तो आपको सेटिंग के ऊपर वहाँ लिखा रहेगा मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से सेटिंग अपना ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आओगे तो आपके यहाँ पर सिस्टम अपडेट देखने को मिलेगा एक ऑप्शन, इसके सामने भी आपको रेड कलर में वन लिखा रहेगा मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में क्या क्या अपडेट आया है वो सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्या वर्जन है और कितना MB का है, क्या किस किस चीज़ का अपडेट है वो सब देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपके यहाँ पे ब्लू एक लाइन नीचे मिलेगी, इसमें लिखा रहेगा मिलेगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो परसेंटेज है ये 100 तक जाएगा और ये लाइनिंग पूरी हो जाएगी। जैसे दोस्तों आपकी ये लाइनिंग पूरी हो जाएगी दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी बटन नहीं दबाना है। स्विच ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, बस दोस्तों आपका मोबाइल सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, यानी कि आपके मोबाइल का सिस्टम अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप वीवो वाई 12A मोबाइल में सिस्टम अपडेट कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।